चैनल क्रिएटिव आर्ट, मैं हूं नीलिमा और आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत से प्यारे से पिंक एंड ब्लू रेजिन कोस्टर्स। आज का वीडियो हिंदी में है और ये वीडियो बिल्कुल भी अनप्लान्ड वीडियो था, क्योंकि कभी कभी जब आप रोज पेंटिंग करते हैं या तो अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट है या फिर आप फर्स्ट टाइम एक नए मीडियम को ट्राई कर रहे हैं और आपसे गलती हो जाती है। सो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपना जो पोरिंग मीडियम है या फिर रेजिन मीडियम है वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा रेजिन मीडियम जस्ट वेस्ट होने ही वाला था और मुझे जस्ट एक आइडिया आया कि नहीं, मैं मेरा पूरा पेंटिंग नहीं खराब करने वाली हूँ। सो मैंने क्विकली मेरा जो बेस था उसको कम्प्लीटली स्क्रेप आउट कर लिया। थैंक गॉड उस पर मैंने सिर्फ क्लियर रेजिन और वाइट रेजिन पोर किया था। अब मैंने उसे पैलेट नाइफ की हेल्प से अपने एक और कप में कलेक्ट कर लिया है एंड नाउ अगेन आई हैव वाइट क्लियर रेजिन। सो इतना सारा रेजिन मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, मैं इससे और भी कुछ बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल द कोस्टर्स, मेरे पास हमेशा कुछ एक्स्ट्रा कोस्टर्स होते हैं। सो अब मैं कुछ क्विक करने वाली हूँ, तो अपना मेजरिंग यूनिट जीरो पे है। एक एम्प्टी कप प्लेस कर दिया, ओके उसको टेयर करते हैं। देन आई थिंक मुझे सिर्फ 10 से 12 एक्स्ट्रा ग्राम रेजिन की ज़रूरत है। सो मैं मिक्स करूँगी 9 ग्राम्स ऑफ हार्डनर, ओके बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 9 के बजाय 12 हो गया। सो 3/4 12, ओके 3/4 12, इस तरह से मैं मेजर करती हूँ। 12 हो गया, सो मुझे 4 ग्राम्स ऑफ हार्डनर ऐड करना होगा। ओह नो, 13 हो गया। ये तो जब रेजिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो हम इस तरह से उसे लिफ्ट अप कर लेंगे और वापस बॉटल में डाल देंगे, बिकॉज रेजिन काफ़ी महंगा है तो हम ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहते। 12 ग्राम्स ऑफ रेजिन एंड 4 ग्राम्स ऑफ हार्डनर, सो वेरी केयरफुली 16 होना चाहिए। सो अब हमारे पास है 12 + 4 16 ग्राम्स ऑफ रेजिन। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपने आइसक्रीम स्टिक से, क्विक, क्योंकि हमारा वो रेजिन सूखने वाला है और मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंटिन्यू मैं मिक्स करूँगी एटलीस्ट 10 मिनट्स तक। तब तक मैं सोचती हूँ कि हम कौन सा कलर ऐड करना चाहिए। ओके, तो आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं प्राइमिंग करूँ और फिर बैक साइड भी टेप करूँ, तो ये एक क्विक टेक्निक है अपने पोस्टर्स को टेप करने की, जो कि है एक मास्किंग टेप यूज़ करके आप उसको राउंड टेप करें। जस्ट जो साइड्स है उसको स्टिक करना बहुत ज़रूरी है, तो हम साइड्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और मास्किंग टेप को एक राउंड सिक्योर टेप की तरह यूज़ करके हमने हमारे बाउंड्रीज सेट कर दी है यहाँ। उसके बाद सीजर से कट कर दीजिए और ये आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ज़रा सा इसको ट्राई करना है कि हमारा जो बाउंड्री है वो अच्छा सिक्योर हो गया हो, सिक्योर हो बट वो के बेस पे भी ना स्टिक हुआ। हर तरफ से मेरा हो गया है ये कोस्टर स्टिक। अब इसको एकदम प्लेन जगह, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि वो स्पेस टिल्ट है तो वहाँ पे प्लेस मत कीजिए, थोड़ा सा साइड, ओके ये परफेक्ट है, ये जगह भी अच्छी है, ये जो स्पेस है ये स्पेस ही ज़रा टिल्टेड है, आई थिंक सो। सो आई प्लेस इट हियर, एक और आ जाएगा। ओके, सो अब मैंने अपना क्लियर रेजिन मिक्स कर लिया है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो देरी हो बट आपका रेजिन प्रॉपरली मिक्स होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। सो ये मेरा क्लियर रेजिन रहा और ये है वो जो वाइट रेजिन हमारा वेस्ट होने जा रहा था बट हमें वेस्ट नहीं करना है। सो ये वो वाइट रेजिन है। हमारे पास अब बहुत ही कम टाइम बाकी है, तो ये मेरे है कुछ फेवरेट पिगमेंट्स कलर्स। तो मैं अपने रेजिन को डिवाइड करने जा रही हूँ छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में। मेरे पेपर कप्स भी ख़त्म हो चुके हैं, सो हम लेंगे ट्रांसपेरेंट कप्स। डिवाइड करने के बाद
सबसे कम मैं लेना चाहूँगी रोज गोल्ड, सो मैंने लिया ज़रा सा रोज़ गोल्ड पिगमेंट और उसे मैं मिक्स करने वाली हूँ अपने इस रेजिन में। देन मेरा फेवरेट पिगमेंट है पिंक, मैं लूँगी ज़रा सा पिंक। एक्चुअली ये सारे मेटालिक कलर्स हैं जो कि ज़रा हैवी होते हैं, अगर आपको मेटालिक कलर्स को थोड़ा और थ्रो अप करना है तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली यूज अ लिटिल बिट ऑफ नियॉन एक्रेलिक कलर, सो इससे जो है बहुत ही प्यारा शेड आएगा। अगर आपके पास रेजिन पिगमेंट्स नहीं है तो आप एक्रेलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिंक कलर अच्छी तरह से तैयार है। नेक्स्ट है मेरा ब्लू, इस जरा सा ट्रांसपेरेंट होता है, इस ब्लू के साथ भी आपको एक एडिशनल कलर ऐड कर लेना चाहिए। अब मैं फाइनली लूँगी ज़रा सा गोल्ड, तो ये मैंने ले लिया है ज़रा सा गोल्ड। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे मेटालिक कलर्स को, बहुत ही ज़रूरी है। सो ब्लू में ऐड करने वाली हूँ मैं ज़रा सा, बस ज़रा सा अल्ट्रामाइन ब्लू एक्रेलिक, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इससे आपको एक ब्राइट लुक भी मिलेगा और एक ग्लिटरी जो मेटालिक लुक है वो भी मिलेगा, दोनों मिल जाएगा। जो जेल कलर्स होते हैं रेजिन के तो वो आपको क्वाइट ट्रांसपेरेंट लुक देते हैं, इसीलिए अगर आप एक एक्रेलिक कलर या एक्स्ट्रा पिगमेंट ऐड करते हैं तो वो एक ब्राइटनेस देता है। सो दिस इज़ परफेक्ट। पिंक रेडी है, ब्लू रेडी है, गोल्ड मेरा फेवरेट है बट स्टिल आई थिंक मुझे उसमें थोड़ा ब्राइटनेस ऐड करना चाहिए, तो मैं ऐड करने वाली हूँ क्रोम येलो कलर। एक्रेलिक कलर्स ऐड करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं बट उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी होता है कि जब भी आप टॉर्च कर रहे हो आपको काफ़ी कम टॉर्च करना है, अगर आप गलती से भी ज़रा सा भी ज़्यादा टॉर्च करते हो तो वो जो आपका एक्रेलिक कलर है वो थोड़ा बर्न हो जाएगा और वो आपको एक ब्लैकिश टिंट देगा और उसके साथ साथ रेजिन भी आपका जल जाएगा। सो ये कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सा लग रहा है। ये मेरा ब्रॉन्ज है। ओके, मेरा जो येलो प्लस गोल्ड था वो थोड़ा सा अजीब हो रहा था तो मैंने उसमें ऑलरेडी थोड़ा ग्रीन ऐड कर लिया और बन ही जाने दो फिर थोड़ा सा ग्रीन। सो नाउ वी हैव पिंक, ब्लू, लाइट ग्रीन एंड ब्रॉन्ज। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ राउंड। ओके डन। तो अब मैं अपना पूरा कप स्ट्रेप आउट करके इसी में डालूंगी। सो अब उसी व्हाइट स्पैचुला से मैं जेंटली रेजिन को हर कॉर्नर्स में स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से। आई थिंक मुझे अपना पैलेट नाइफ यूज़ करना चाहिए क्योंकि वही बेस्ट है इसके लिए। ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा पैलेट नाइफ। प्लेन सरफेस पर रखने के बाद ऑलरेडी जो रेजिन है वो स्मूथ होने लग जाता है। अगर आपका सरफेस प्लेन नहीं है तो रेजिन एक साइड में टिल्ट होने लग जाएगा। सो नाउ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सो हॉट पिंक से, और जिसमें भी सबसे कम रेजिन है मैं इसी में ज़्यादा पोर करना चाहूँगी जो कि ये है। मैं इसे ऐड करने वाली हूँ एक साइड से। जब भी आप पोस्टर बनाते हैं आप काफ़ी कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं, सो जस्ट गो फॉर इट एंड डू इट एज यू वांट। सो मैं हमेशा वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ क्योंकि अलग अलग कलर्स रेजिन्स मिक्सअप बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लू, मैंने ब्लू भी ऐड कर लिया ज़रा सा साइड में। मैं शुड ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्ज लाइनिंग फ्रॉम द सेंटर। नाउ इस तरह से कोस्टर को होल्ड करके जस्ट आपको ब्लो करना है। आप चाहे तो एक हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा होता है मतलब ब्लो करने के लिए, या फिर एक स्ट्रॉ जो बेस्ट है। मैं जस्ट इस तरह से होल्ड करके इसे ब्लो करूँगी। ओके आई थिंक इतना काफ़ी है। देन ये हमारा नेक्स्ट कोस्टर है, इसे भी मैं ब्लो करूँगी। जब हम थोड़ी देर से प्लेस करते हैं आपको कभी सेल्स नज़र आएंगे या कभी कुछ डिफरेंट कलर्स, और अगर आप फिर भी कुछ चेंजेस करना चाहे आप कर सकते हैं साइड से या जहाँ पे ढेर सारा पेंट हो। मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आई ब्लो इट। तो ये हमारे दो कस्टर्स हो चुके हैं सिमिलर कलर्स के। अब मुझे ऐड करना चाहिए ग्रीन,
ग्रीन कुछ रीजन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो मैं इसे जस्ट एक कॉर्नर में ऐड करना चाहूंगी। पोस्टर्स पे एक्सपेरिमेंट करने से आप हर बार कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, हर बार एक नई शेडिंग ट्राई कर सकते हैं। इस पर मैं सिर्फ पिंक यूज करने वाली हूँ, एक साइड पर ओनली द हॉट पिंक। अब मैं एक साइड पे सिर्फ ब्लू ऐड करने जा रही हूँ। वेरी वेरी प्रिटी। मैं बाकी सारा रिमेनिंग ब्रॉन्ज स्मैप कर रही हूँ। आई नो कुछ चीज़ें कभी कभी ज़रा से डिफरेंट बनती है, पर वो फिर भी अच्छी लगती है। तो इस कोस्टर के लिए मैं ज़रा सा डिफरेंट टेक्निक यूज़ करने वाली हूँ, जो होगा स्वाइप करना। सो मैं करने वाली हूँ कलर्स को स्वाइप। जैसे कि हमारा ग्रीन ज़रा थिक हो गया था, तो स्वाइप टेक्निक ही इसमें यूज़ करना होगा हमें। पैलेट नाइफ लेकर आपको कलर्स स्वाइप करने हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है, क्वाइट ए यूनिक डिज़ाइन। और इसके लिए तो मैं करना चाहूँगी ग्लो, अ परफेक्ट ग्लो। तो ये है एक रॉकिंग कॉम्बिनेशन ब्लू और पिंक का। ज़रा ज़रा सा टिल्ट कर देंगे दोनों कलर्स को। आई थिंक ये ऐसा ही बहुत ही अच्छा और प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम इसे इसी तरह से सूखने देंगे और लेट्स सी ये सूखने के बाद किस तरह का दिखता है। ओके ओके, सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैंने इनके जो साइड टेप्स है उनको रिमूव कर लिया है। और जब मैंने रिमूव किया तो जो भी एक्स्ट्रा रेजिन था मैंने उसे साइड से पोर करके जो बेस है उसे एक क्लॉथ से और मेरे पैलेट नाइफ से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैं किसी भी तरह के कोई ड्रॉपलेट्स नहीं चाहती जिससे कि हमारे जो कोस्टर्स है वो अनइवन बनेंगे। और अगर मैं टेप भी ज़्यादा देर तक लगाए रखती तो शायद हमारा जो पोर है अगर वो कहीं एक डायरेक्शन में टिल्ट होता तो वह अनइवन लगता। तो अब मैं करने वाली हूँ टॉर्च। एक तरह से लाइक कंपल्शन नहीं बोलना चाहूँगी, बट थोड़ा सा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इसमें जो टाइनी टाइनी बबल्स होते हैं वो क्विकली रिमूव कर देता है। जस्ट एक हल्का सा टॉर्च ग्लो करने से जो सारे टाइनी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आपको ओवर टॉर्च नहीं करना है, क्योंकि हमने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है और उससे वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब फ्रेंड्स, हम अपने रेजिन को ओवरनाइट सूखने के लिए रख देंगे कुछ अच्छी सी जगह पे जहाँ पे कोई डस्ट ना हो। मेरे पास कैट्स है, मिकी और मिनी, उनके हेयर्स भी ना लगे, ताकि ये जो रेजिन है कोस्टर्स वो एकदम से स्मूथ बने। ओके, हमें पता है ये ज़रा सा डिफरेंट बना है बाकी तीनों कोस्टर्स से, तो मैं करने वाली हूँ यहाँ पे ज़रा सा टॉर्चिंग। ओके, कर लिया। एंड देन मैं ऐड करने वाली हूँ यहाँ पे ज़रा सा पिंक। अब मैं ज़रा सा रिमेनिंग रखूँगी। तो क्लियरली मेरा स्टाइल आप देख सकते हैं कि मैंने वन साइड से पोर किया है, एंड देन हम इसे ब्लो करेंगे। बहुत ही प्यारा अमेजिंग पिंक इफेक्ट। ज़रा सा और टॉर्चिंग करते हैं सो दैट अगर कोई भी बबल्स है तो वो बबल्स फ्री हो जाए। तभी हमने दे दिया है हमारा ज़रा सा पिंक टिंट, मुझे बड़ा पसंद आया। और अब हम इन सभी को रख देंगे सूखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हमारे कोस्टर्स पूरी तरह से सूख चुके हैं और वो कुछ इस तरह से खूबसूरत लगते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल और ग्लॉसी लुक आया है, और इसके साथ हमें यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा इफेक्ट मिला है ब्लू कलर से। यहाँ पर पिंक कलर से हमें कुछ सेल्स मिले हैं, ब्लू कलर और ब्रॉन्ज का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक मिल्की वे की तरह कलर मिला है, ये बहुत ही खूबसूरत कोस्टर है। और यहाँ पे आप कुछ सेल इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो एक वे हुआ कि जब आप कोई भी नया मीडियम कर रहे हो और आपसे अगर एक्सीडेंटली अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपका मीडियम आप फिर भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। और आपके टेंशन वाले वक्त भी, लाइक आपके ट्रबल वाले वक्त भी, जैसे मैं मुश्किल में आ गई थी, आप कुछ क्रिएटिव और सुंदर बना सकते हैं। सो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। एंड वक्त पे अपने कोस्टर्स ज़रूर रेडी रखिएगा, और जब भी गलती से बचना हो सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई।
इसके अलावा ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे फिर भी बना सकते हैं। और मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा हिंदी वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।